इस्लाम के दाई अजीम मुफक्किर और अमीर तबलीगी जमात मौलाना हाजी अब्दुल वहाब तवील अलालत के बाद वफात पा गए। मौलाना अब्दुल वहाब सांस और सीने में तकलीफ के बायस डॉक्टर अस्पताल में जेर इलाज थे। उन्हें डेंगू बुखार की तशखीस भी हुई, कुछ रोज से वेंटिलेटर पर थे। आज सुबह खालिक हकीकी से जा मिले। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत सियासी और समाजी शख्सियात का मौलाना हाजी अब्दुल वहाब के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार, दीनी खिदमात को शानदार करार दे दिया। मौलाना अब्दुल वहाब का जस्ते खाकी अस्पताल से रायगढ़ मुंतकिल। नमाज़े जनाजा बाद नमाज़े मगरिब अदा की जाएगी। मौलाना नज़रुर्रहमान जनाजा पढ़ाएंगे। मौलाना अब्दुल रशीद और दीगर उलमाए कराम मरहूम की दीनी खिदमात और मौत की हकीकत पर बयान करेंगे। रायगढ़ तबलीगी मरकज़ में तदफीन की तैयारियाँ, हजारों अकीदतमंदों की शिरकत मतवक्के। पाँच सौ बासठ मुस्लिम शख्सियात में हाजी अब्दुल वहाब का दसवां नंबर। तहरीक खत्म नबूवत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तबलीगी जमात के तीसरे अमीर मुकर्रर हुए मौलाना अब्दुल वहाब। 1922 में दिल्ली में पैदा हुए। कयाम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आए। आला सरकारी मुलाजमत छोड़कर पूरी जिंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। अलालत के बायस हालिया सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा में दुआ भी ना करा सके। हेलमेट की पाबंदी पर अमल दरामद के लिए अनोखा फॉर्मूला। बगैर हेलमेट किसी भी मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल ना देने की तजवीज। सीटीओ लियाकत अली मलिक का कमिश्नर लाहौर को खत। पेट्रोल पंप पर कानून कैसे नाफिज करना है, क्या तरीका कार अपनाना है। डीसी ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन के रहनुमाओं को मुशावरत के लिए कल तलब कर लिया। पेट्रोल डलवाने के लिए हेलमेट पहनने की शर्त, शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। हेलमेट की पाबंदी खुश आइंद है, शहरियों के तासुरात। हुकूमत पाबंदी लगाने से पहले हेलमेट सस्ते करे, शहरी। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन किया है कि जो भी मोटरसाइकिल वाले हैं जो जाएंगे पेट्रोल लेने के लिए उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है ये पॉलिसी सीख है, ठीक है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने शर्त रख दिया कि हेलमेट होगा फ्यूल देगा, लेकिन ये तो गलत बात है क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हेलमेट के साथ। यहाँ तो हेलमेट की कीमत कम कर दें, जो पहले 300 का था आज 1500 का, 2000 का, 3000 का। हेलमेट के वाले से शर्त ठीक है पर कंट्रोल होना चाहिए प्राइस पे, प्राइस बहुत ज़्यादा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां। मसाजिद गली मोहल्ले और बाजार रोशनियों से सजने लगे। जामिया नईमिया के ज़ेर एहतमाम जश्न आमद रसूल का जुलूस। आशिकान रसूल की शिरकत। दावत इस्लाम के ज़ेर एहतमाम फैज़ान मदीना जौहर टाउन मरकज में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा जुलूस। सब्ज परचम उठाए मोटरसाइकिलों पर हजारों अफराद की शिरकत। शामे फिराक अब ना पूछ, आई और आंखें टल गई। दिल था कि फिर बहल गया, जान थी कि फिर संभल गई। फैज अम मेले का तीसरा और आखिरी रोज, वही ख्वाबे मोतबर थे कि उनवान से नशिस्त का एहतमाम। जहरा निगार, डॉक्टर आरिफा सईदा और नूरुल ऐन शिरकत करेंगे। अलहमरा में किताबों का मेला। तारीख, अदब, साइंस और जोग्राफिया की किताबें दस्तियाब। बुक स्टॉल्स पर शहरियों का रश, मनपसंद किताबें खरीदने लगे शहरी। सस्ते गर्म कपड़ों का हसूल, शहरी सुबह सवेरे ही लंडा बाजार पहुंच गए। लंडे के स्वेटर, जर्सियों, जैकेट्स के दाम भी महंगे। बाजार में रश, किसी ने खरीदे गर्म कपड़े तो कोई शूज खरीदता नजर आया। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के जेर एहतमाम ज़ियाबीतिस बारे आगाही वॉक। लिबर्टी गोल चक्कर से हुसैन चौक तक शुरका ने शुगर से बचाव बारे आगाही प्ले कार्ड उठाए रखे थे। डॉक्टर्स और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। क्रिकेट के दीवानों ने सजाया मॉल रोड पर क्रिकेट का मैदान और खूब किया हल्ला गुल्ला। छोटे और बड़े क्रिकेट मैचेस खेलने में मगन। छुट्टी का आगाज रवायती नाश्ते के साथ। लाहौरियों ने नारकली फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। नान चने, सिरी पाए और हलवा पूरी से पेट पूजा की। और खुशगवार मौसम में गवर्नर हाउस की सैर।
स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा की आमद, सैर से लुत्फ अंदोज हुए, बच्चों की मौज मस्ती, शटल सर्विस के मजे लिए।